हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करेंगे, वेक्टर्स का, क्लास 12th का। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं हमारे पास ए और बी, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है ए और इसका पोजिशन वैक्टर ये स्मॉल ए हो गया, और एक पॉइंट बी जिसका पोजीशन वेक्टर बी गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, आगे पढ़ते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट सी, एक सी पॉइंट और है। इफ बी ए को प्रोड्यूस किया गया है सी तक, सच दैट, इसको हम सी मान लेते हैं, क्या गिवन है, बी सी 1.5 BA, ठीक है। बी सी 1.5 BA, यहाँ पे वेक्टर का साइन होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होगा तो भी हमें यही करना है। तो हम यहाँ पे रेशियो निकाल लेंगे, बी सी अपॉन बी ए कितना हो गया, 1.5 का मतलब 3/2, तो 2 BC इक्वल टू 3 BA। तो बी सी को हम लिख सकते हैं, फिगर में से देख लो आप, सी ए प्लस ए बी, और 2CA+2AB इक्वल टू 3AB। तो 2CA इक्वल टू AB, तो CA अपॉन AB 1:2। तो बस इतना काम करना था। अब हमें ये 1:2 मिल गया, तो हम बाई सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले से करेंगे, तो बीच में ये पॉइंट ए आ रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 को इधर इंटू करनी है, 1 × B वेक्टर प्लस 2 को इधर कर दो, 2 × C वेक्टर अपॉन 1+2, तो 3A वेक्टर इक्वल टू B+2C। तो सी वेक्टर कितना आ गया, 3A-B/2, ये हमारा आंसर आ गया। तो उसने पूछा था एक पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर बताओ, वो हमारा आ गया 3A-B/2। तो ये क्वेश्चन था एग्जाम्पलर का, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।